अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो हमने क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में हमने जो उसका पैटर्न देखना है दैट इज सिंगलटन पैटर्न राइट तो जैसे मैं आपको कहती होती थी, थी कि अब जो है वो आपको बताया करूंगी कि कौन सी कैटेगरी का हम जो है वो या किस फैमिली का हम पैटर्न डिस्कस करेंगे और मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी है कि हमारे पास जो है वो गैंग ऑफ फोर की जो है वो तीन फैमिलीज हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो आज जो है वो हमने सिंगल्टन डिस्कस करना है जो कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है और आपको अः जो है वो एक एकजी पैटर्न है कि आप बिल्कुल इसे अगर स्टार्ट करना चाहें पैटर्न गैंगो फोर को अंडरस्टैंड करना तो इट इट वुड बी अ वेरी इजी पैटर्न टू तो स्टार्ट विद और अब जो ये सिंगल्टन पैटर्न है अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो एक दे दूं ताकि आपको आगे जब लेक्चर जाए तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो चीजें ये वाला जो डिजाइन पैटर्न है वो ये इंश्योर करता है कि जो आपकी क्लास है उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो जैसे इसके नाम से ही पता है ना सिंगल्टन सिंगल से निकला है तो आपकी क्लास सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करे और फिर क्या है कि उस इंस्टेंस का जो है वो हमने एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट देना है कि पूरी एप्लीकेशन जो जो है है वो उसको ना वो यूज कर सके उस सिंगल इंस्टेंस को इसको इंप्लीमेंट करने के कुछ स्टेप्स हैं इनशाला वो हम अब जो है जो आगे लेक्चर जाएगा तो हम अंडरस्टैंड करेंगे सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब आपको पता है कि हर पैटर्न एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो सिंगल्टन जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो यही है कि इसके अंदर ये डिफाइन करता है कि आपने सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाम से ही पता चल रहा है मैं कि सिंगल ये क्या बताता है कि पूरी जो प्रोग्राम की लाइफ है ना उसमें एक क्लास का एक और सिर्फ एक ही इकलौता जिसे कहते हैं ना उसकी औलाद होगी मतलब क्या लिखिए इंस्टेंस होगा अब ये जो सिंगलटन पैटर्न है ना ये उस क्लास के ऊपर एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन एक किस्म की लिमिटेशन इम्पोज कर देता है कि वो एक क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकती ठीक है और उसी को जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरी एप्लीकेशन में फिर उसकी एक ग्लोबल एक्सेस होगी कि उस इंस्टेंस को फिर पूरी एप्लीकेशन जो है वो क्या कर सके यूज कर सके इसको बिल्कुल मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ Uh, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना वो एक इंस्टेंस uh, है एक क्लास का ठीक है और ये जो ये जो मॉड्यूल्स हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल्स इनको मैंने कहा एम मीन एप्लीकेशन मॉड्यूल्स ये जो है किसी एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स हैं और वो जो है वो इस शेयर्ड रिसोर्स को को इस इंस्टेंस इसको मैं जिसको कह रही हूँ कि शेयर्ड रिसोर्स है है इस instance है, इस इंस्टेंस क्लास का उसको जो है, वो क्या कर रही है वो एक्सेस कर रही है अब जब हम चाहते हैं कि एक हमारा एक ऐसा इंस्टेंस हो जिसको हम ग्लोबल एक्सेस पॉइंट दें यानी कि एप्लीकेशन हर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को कोई पार्ट उसको जो है वो यूज कर सके उस शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सके तो हम वहां पे जो है वो आ, इस तरह की रिक्वायरमेंट में एक कह लें कि हमारे पास एक यूज केस है या एक सिचुएशन समझें ठीक है अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये भी नहीं चाहते कि हर दफा एक नया इंस्टेंस क्लास का क्रिएट हो ठीक है इस सिचुएशन में हम ये नहीं चाहते कि एक क्लास का ना हर दफा एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो हम ज्यादा कह लें कि एफिशेंट करना चाह रहे हैं अपनी मेमोरी यूटिलाइजेशन तो और ये भी चाह रहे हैं कि ग्लोबल इंस्टेंस जो है वो इसकी ग्लोबल इंस्टेंस की ग्लोबल एक्सेस भी हो तो फिर अब हम क्या करें अब आप, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके लिए तो हम सबसे अच्छा जो एक सोल्यूशन है वो क्या करें कि हम एक इसको इंस्टेंस को एक ग्लोबल वेरिएबल में जो है ना वो स्टोर करते हैं और उसकी जो एक्सेस है वो ये जितनी एप्लीकेशन मॉड्यूल्स हैं इनको जो है हम प्रोवाइड करते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर हम ये कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोचें तो यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉगर क्लास है शायद आप लोगों ने जावा में या कभी पढ़ा हो कि लॉगर क्लास है और लॉगर का जो है वो क्या है लॉगर के अंदर एक वैल्यू है जिसमें पड़ा हुआ है एलवन फॉर इंस्टेंस और जब तक तो ये सिर्फ जितनी भी एप्लीकेशन मॉड्यूल्स हैं इस लॉगर क्लास के इस एल्वन वैल्यू को रीड कर रही हैं तब तक तो ये काम बिल्कुल ठीक होगा जस्ट रीड कर रही हैं अभी मगर अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन बनती है क्योंकि आपने तो एज अ ग्लोबल वेरिएबल सेव किया हुआ है ठीक है लॉगर को तो अगर कोई भी एप्लीकेशन मॉड्यूल जो है जितने भी एप्लीकेशन मॉड्यूल्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे मतलब अपडेट इन कि उनको जाहिर है हमने शेयर्ड रिसोर्स की एक्सेस दी हुई है ना इसकी शेयर्ड रिसोर्स की एक्सेस दी हुई तो क्या है कि उनको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी और हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया कोई भी आए और उसको जो है वो क्या कर दे चेंज कर दे और बाकी लोगों को जो है वो फिर वो कंसिस्टेंट एक वैल्यू ना मिले हर बंदे को कोई भी आए और उसको बदल दे अब ये क्या है ये हमने ये क्यों हुआ क्योंकि हमने ब्लॉगर को जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू जो है हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और इस वजह से जो है वो क्या हो सकता है ये मोडिफाई हो सकता है बिल्कुल मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ आपकी अपनी डोमेन से कि हमारी यूनिवर्सिटी में चांसलर साहब हैं ठीक है आपको पता है पूरी यूनिवर्सिटी के एक ही चांसलर साहब है उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल है उनका प्रॉपर एक मीटिंग स्केड्यूल्स हैं उनके पूरी रूटीन के जो भी उन्होंने ऑफिशियली करने हैं और जितने भी डिपार्टमेंट के डीन हैं या एच हैं वो अब उनसे अगर उन्होंने चांसलर साहब से मीटिंग करनी है तो अब वो कंसल्ट करेंगे चांसलर साहब को ठीक है अब आपको पता है यूनिवर्सिटी का एक ही चांसलर है वो एक किस्म की ग्लोबल एक्सेस है अब अगर एचओ को हर दफा एक नया इंस्टेंस मिलेगा कॉपी मिलेगी और अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्लोबल अगर हम कहें एज अ ग्लोबल वेरिएबल हमने उनके स्केड्यूल को सेव किया हुआ है तो क्या होगा कि जितने भी एच हैं या टीम्स हैं उनको उनकी डायरेक्ट एक्सेस होगी और वो उस स्केड्यूल के अंदर कोई ना कोई चेंज कर सकते हैं तो अब ये देखें कि क्या वो एक कंसिस्टेंसी वाला मामला और एक uh, efficient utilization वाला मामला जो है वो हमारे लिए रहेगा तो इसका सिंपल सा इलाज है कि देयर वुड बी एन इंटरमीडिएट चैनल जो के चांसलर साहब के कोई पर्सनल सेक्रेटरी हो कोई पर्सनल असिस्टेंट हो, और उसको फॉर स्केड्यूलिंग देयर मीटिंग विद चांसलर साहब तो अब वो जो पी, जो आपका कह लें कि जो पर्सनल असिस्टेंट है ना वो एक ऐसे फंक्शन की तरह काम कर रहा है बीच में जो कि उनको एक्सेस देगा चांसलर साहब के स्केड्यूल uh, की ठीक है तो अब ये जो है जी जो अब एक फंक्शन होगा अब ये बात याद रखिएगा क्योंकि आगे हमने ये बात पढ़नी है कि एक ऐसा स्टैटिक uh, मेथड होगा जो कि एप्लीकेशन uh, पूरी एप्लीकेशन में हमारे uh, जो चास्टर साहब के इंस्टेंस हैं उनके स्केड्यूल की एक्सेस देगा ठीक है और उसको हम नॉर्मली गेटर फंक्शन कहते हैं या एक स्टैटिक हमारे पास जो है ना एक मैथड होगा है अब देखें कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे थे कि हम उसको ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे क्योंकि कोई भी आएगा और उसको चेंज कर देगा और हम चाह रहे हैं कि बीच में एक इंटरमीडिएट हमारे uh, पास कैटेगरी एंटिटी हो दैट इज पी अब हम वो जो सिचुएशन है कि कोई भी उसको चेंज ना कर सके और सबको एक कंसिस्टेंट किस्म का जो है ना वो स्केड्यूल मिले तो अब उस उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे तो अब आपको मैं सिंगल्टन पढ़ाने से पहले अब उसका जो मतलब सोल्यूशन है वो आप समझिए कि सिंगल्टन पैटर्न है सबसे पहले तो आप इतना समझ right? अब अगर या हम जानते हैं कि समटाइम्स हमारे पास प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट या ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जिसमें हमें किसी भी क्लास का सिर्फ एक या सिर्फ एक ही ओनली वन वन एंड ओनली वन इंस्टेंस जो है ना पूरे प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में हमें चाहिए यानी कि पूरे प्रोग्राम का लाइफ साइकिल का मैं बात क्या कर रही हूँ? कि जब अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए उसको एग्जीक्यूट किए क्यों क्योंकि जब आप प्रोग्राम को बंद कर देते हैं तो वो उसका लाइफ साइकिल तो नहीं रहा ना क्योंकि अब जब आप प्रोग्राम को दोबारा खोलेंगे मतलब बंद करने के बाद तो वो जो एक इंस्टेंस है वो दोबारा मतलब सॉरी क्लास का जो दोबारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा मैं इस वक्त ड्यूरिंग प्रोग्राम के लाइफ साइकिल की बात कर रही हूँ कि जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया एप्लीकेशन रन की उस वक्त जो है वो क्लास का जब आपके पास रिक्वायरमेंट हो कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो देन यू वुड डेफिनेटली यूज एंड यू मस्ट डेफिनेटली यूज द सिंगल पैटर्न अब इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी है। आप लोग स्टूडेंट्स और आप लोग डेली बेसिस बेस पर काम जरूर करते होंगे किसी ना किसी अपने uh, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में हैं जिस भी आप uh, सेमेस्टर में आप पढ़े आप लोगों ने अगर डेटा बेसिस पढ़नी है और आप एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं डेटा बेसिस के साथ तो आप जो है ना वो मोस्टली आपने डेटा बेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स यूज की होंगी और जो डीबी कनेक्शन की क्लास होती है उसके अंदर नॉर्मली क्या मेथड्स होते हैं, ओपन कनेक्शन स्टोर प्रॉपर्टीज मतलब अप अपटू सोन अब ये एक ऐसा टास्क है जो कि पूरी एप्लीकेशन में कॉमन है राइट right? अब ये पूरी हर दफा ये वाला टास्क जो है वो क्या होगा सेम होगा ईच टाइम आप जो है वो सेम कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ना वो बना रहे होंगे तो हमें क्या आया कि हम बार बार सेम दोबारा दोबारा वो सब क्रिएट ना कर रहे हो हम दोबारा दोबारा हम नहीं चाहते कि कनेक्ट जो है ना वो बार बार कर रहे हो हर कॉल के ऊपर कनेक्ट कर रहे हो डेटाबेस को तो अगर हम ये बार बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट का तो क्या होगा तो आप खुद सोचें प्रॉब्लम है कि ऑन एंड ऑन जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा और क्या होगा ये हमें बिल्कुल भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है और मेमोरी में खाम खा का लोड होगा मेमोरी वेस्ट होगी और ये क्या है कि लोड क्रिएट करेगा गार्बेज कलेक्टर के ऊपर आपको आपको पता है कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है गार्बेज कलेक्टर किसी भी कंपाइलर के बैकग्राउंड में जो है वो रन हो रहा होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जैसे कमेटी की गाड़ियां नहीं फिर रही होती रात को और वो कूड़े लेके जा रही होती है तो ये भी बस कुछ समझे उसी किस्म का काम कर रहा होता है किसी भी कंपाइलर का गार्बेज कलेक्टर के ये जो है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है और उसका काम क्या है कि जितने भी अनयूज इंस्टेंसेज होते हैं यानी कि आपने खाम खा क्रिएट करके हम ही रख लिये होते हैं बुरे वक्तों के लिए तो वो क्या करता है कि वो मेमोरी को एफिशिएंट करने के लिए मेमोरी की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए वो उन अनय इंस्टेंसेस को मेमोरी से जो है वो रिमूव करता रहता है तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में कि गार्बेज कलेक्टर के ऊपर लोड ना पड़े मेमोरी एफिशिएंट हो और जब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट से जो है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोग्राम जो है ना एक ही इंस्टेंट से काम चल जाएगा तो देयर इज अ रेमेडी कि हम उस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करें सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न से ठीक है जब भी इस किस्म की सिचुएशन आपने आपने फेस करनी है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पूरे थ्रू आउट एप्लीकेशन काम चलता है तो आपने जो है वहां पे क्या लगा देना सिंगल इंस्टेंस मैंने आपको एक सिचुएशन बताई दी है अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखें कि अब देखें यहाँ पे अभी आगे एग्जांपल आएगी कुछ स्टेप्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं कि जब भी सिंगल्टन अप्लाई करना है इज यू कैन से क्लास जिसका नाम क्या है सिंगलटन अब यहाँ पे देखें इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर है एक मेंबर है जिसका डाटा मेंबर है जो कि जिसको मैं इंस्टेंस कह रही हूँ क्या है सिंगल्टन और वो ये देखें प्राइवेट है एक ही मेंबर है इस क्लास का और वो क्या है प्राइवेट है आपको पता है माइनस स्टैंड फॉर प्राइवेट एंड पॉजिटिव साइन रिफ्लेक्ट्स द पब्लिक अब देखें कि इस क्लास में जो इसका मेथड है जो जिसको हम क्या कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर है दैट इज आल्सो प्राइवेट देखें इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या है प्राइवेट है अब देखें कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है उसका डेटा मेंबर प्राइवेट है तो फिर अब आप, आपके में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी बट वो इनशाला पहले आप थोड़ा सा जरा अपना एक बैकग्राउंड सेट कर लें और एक मेथड है जिसको मैं एक गेटर मेथड कह रही हूं या एक मेथड कह रही हूं जो कि पब्लिक है ठीक है एक मेथड है जो पब्लिक है और वो क्या कर रहा है वो कर रहा है इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है उस क्लास का सिंगल्टन क्लास का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है ये ये जो इंस्टेंस हमने उसको दिया अब ये हम क्यों कर रहे हैं ये सारी बात हम आगे करते हैं अब ये है उसका आंसर कि जब भी आपने सिंगल्टन पैटर्न अप्लाई करना है तो क्या है कि क्लास का हम क्या कहते हैं कि एक इंस्टेंस क्रिएट हो बट तब जब वो एग्जिस्ट ना करता हो और अगर वो एग्जिस्ट करता हो ठीक है तो फिर आपने सिंपली क्या करना है उसी ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर देना पहली बात क्या कि अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जिस्ट करा दो उसको भाई क्रिएट कर दो और अगर करता है तो फिर उसी का जो इंस्टेंस का रेफरेंस है उसी ऑब्जेक्ट का जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो जिसने भी मांगा है उसको वो रेफरेंस दे दो तो। अब जो है कि आपने ये जब चेक करना है ये जब इंश्योर करना है कि ऑब्जेक्ट कोई और इंस्टेंशिएट ना करे तो इस मकसद के लिए आपने जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्या कर दिया है प्राइवेट कर दिया ठीक है क्योंकि तो आपको पता है ना कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लासेस क्लासेस यूज करती टू क्रिएट ऑफ अदर अब अब पे देखें अब जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन में सिंगलटन पैटर्न अप्लाई करना है तो यू वुड नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स ये ये वाले वो स्टेप्स हैं ये ये कुछ स्टेप्स हैं या इसका आप कह लें कि सिंगल्टन का स्ट्रक्चर है या पैटर्न है या एक कोई भी उसका मतलब स्टेप्स हैं कुछ भी आप कहले कि आपने ये चीजें जो है ना वो मस्ट करनी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है ना अपने कंस्ट्रक्टर को आपने, आपने जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको आपने प्राइवेट करना है तो इससे क्या होगा आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी कॉलर उस क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर सकेगा राइट right? सबसे पहले तो हमने जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना मतलब हमने या दूसरी क्लासेस जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करना है या उनको हमने बैन करना है कि वो उसको जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर सके क्योंकि हमें पता है जैसे मैंने पहले कहा कि कंस्ट्रक्टर पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट तो फिर आउटसाइड वर्ल्ड की क्लासेस जिन्होंने भी उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो वो आ, उसको जो है ना उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेती है तो हमें क्या है हमें एटमोस्ट एक ही इंस्टेंस जो है ना हमें क्रिएट करना है तो अब हम क्या करें राइट अब ये देखें एक और क्या आपने करना है के अच्छा खैर अब 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 आपने अगर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक तो करना है ना एटलीस्ट एक तो हमें चाहिए ही चाहिए अब प्राइवेट है कंस्ट्रक्टर तो फिर अब इसका क्या वे आउट है तो अब हमने एक ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट करना है तो इसके लिए हमने देखें एक जो है वो स्टैटिक ये यह यहां पे देखें कंटेन्स स्टैटिक एक हमने जो है ना वो वेरिएबल और प्राइवेट स्टैटिक और प्राइवेट हमने मेंबर डिक्लेयर करना है और उसकी जो टाइप होगी जो उसकी डेटा टाइप होगी वो वो क्लास की टाइप होगी यानी कि जैसे हमने पीछे देखा था ना जब हमने क्लास का स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पे देखें इस मेंबर की ये मेंबर प्राइवेट भी होगा स्टैटिक भी होगा और इसकी जो टाइप होगी वो इसी क्लास की इसी क्लास की टाइप होगी राइट तो ये बात यह याद रखनी है कि हमने ये किया कि हमने अपनी क्लास में अपनी क्लास की टाइप की स्टैटिक प्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है यानी कि वो जो मेम्बर होगा वो अपनी क्लास में अपनी क्लास की टाइप का स्टैटिक और प्राइवेट दोनों होगा खैर इंप्लीमेंटेशन में आएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा और तीसरा क्या कि आप यार आप ये देखें कि हमें जो है वो किसी ना किसी तरह एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना है ना एक तो एटलीस्ट करना है अब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है अब क्या करें तो हमें पता है कि स्टैटिक मेथड जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के जो है वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं आप आपने जो पढ़ा होगा स्टैटिक मेथड्स पढ़े होंगे अब यहाँ पे क्या है कि हमने स्टैटिक मेथड्स को जो है वो यूज करना है कि वो क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सके ठीक है वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होते तो अब हम क्या कर है रहे हैं कि एक ओपनिंग गेट रख रहे हैं

खैर अब देखते हैं हम सिंगल्टन की इम्प्लीमेंटेशन बी गेट यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन के कैसे मैं ये जो बातें अभी आप रही हूँ थ्योराटिकली तो भी मैं आपको करके थोड़ा सा दिखाती हूँ पहले ये कि ये देखें ये क्लास है सिंगल्टन ठीक है उसके अंदर जो है वही जैसे मैं आपको कह रही हूं कि इसी की क्लास का प्राइवेट और स्टैटिक आपने जो है ना इंस्टेंस आपने जो है ना वो डिक्लेयर करना देन उसके बाद सिंगल्टन इसी क्लास का जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है जिसको जो बाई डिफॉल्ट पब्लिक होता है हमने उसको क्या कर दिया प्राइवेट कर दिया कि कि बाहर की दुनिया को रोक भाई बस कोई जो है ना वो नहीं कर सकता मगर उसके लिए भी हमने कंडीशन रखी है कि कोई एक तो करे तो क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये देखें ये हमने जो है वो एक गेटर फंक्शन लिख दी है गेट इंस्टेंस रख दी है जिसकी टाइप जो है वो क्या है सिंगल्टन uh, इसी क्लास का जो है वो उसकी उसकी बिलोंगिंग है और वो क्या है स्टेटिक है अच्छा अब क्या है यहाँ पे देखें सिंक्रोनाइज क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब हमने थ्रेड सेफ्टी के हम इसमें थ्रेड सेफ्टी जो है वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि देखें अगर तो वो नल है ऑलरेडी जो है नहीं क्रिएट हुआ तो क्या करो भाई एक इंस्टेंस क्रिएट कर दो और अगर तो क्रिएटेड है ठीक है नल नहीं है ऑलरेडी किसी ने क्रिएट कर दी है तो फिर क्या करो उसको रिटर्न कर दो तो अगर ये देखें आपको पता है ना इफ के चेक के अंदर ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहां से ये ये हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा और अगर ये फॉल्स हो जाती है यानी कि इंस्टेंस में ऑलरेडी किसी का रेफरेंस पड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा कि ये वही वाला जो है वो इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगा आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे देखें यहाँ पे भी वही वाली एक जो है वो सिचुएशन है कि यहाँ पे देखें क्लास बनाई माय सिंगलटन क्लास यहाँ पे स्टैटिक मेंबर जिसका इंस्टेंस आपने उसी क्लास की टाइप का बना दिया यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है और यहाँ पे जो मेथड है जो जिसने इंस्टेंस को गेट करना है या इंस्टेंस क्रिएट करना है या इंस्टेंस रन करना है वट यू कैन से वो दैट इज स्टैटिक क्योंकि इसको हमने स्टैटिक इसलिए बनाया है क्योंकि

क्रिएट ना कर सके और उसके बाद हमने एक मेथड स्टैटिक मेथड रखा है कि अगर इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ठीक है उसका इंस्टेंस का रेफरेंस रिटर्न कर दो नहीं तो अगर नहीं है तो फिर एक जो 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 इंस्टेंस क्रिएट करके आप है है ना वो वो रिटर्न कर दो right. अच्छा अब जो है, वो सबसे पहले देखें यहाँ पे ये यह वाला यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई ये कोड करके मैंने जो है वो इसके स्क्रीनशॉट लगा दी आपके लिए कि यहाँ पे देखे मैंने क्या बनाई है माय सिंगल्टन क्लास और उसके अंदर देखे मैंने क्या किया है कि मैंने वही बात

कि हमें declare एक स्टैटिक प्राइवेट वेरिएबल के बाद हमें जो है वो constructor को private करना है, तो ये हमने constructor को जो है वो private कर दिया और साथ ही हमें जो है वो एक स्टैटिक मेथड चाहिए कि हमने बाहर की दुनिया को एक्सेस देनी है इंस्टेंस की क्रिएशन की क्लास के इंस्टेंस की क्रिएशन की कि अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको क्रिएट करते हैं और है तो उसको आप रिटर्न कर दें तो हमने उसको क्या कर दिया स्टैटिक कर दिया और आपको पता है कि जो जो स्टैटिक मेथड वो क्या है जो है ना विदाउट आप जो है ना उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते आप जो है ना क्रिएट इंस्टेंस के जो मेथड है उसको आप क्या कर सकते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं ये दैट्स अ ब्यूटी ऑफ स्टैटिक्स तो अब हमें क्या है कि हमने एक्सेस करना है क्रिएट इंस्टेंस ठीक है अब ये देखें हमने क्रिएट इंस्टेंस को जो है ये देखें क्रिएट इंस्टेंस को हमने क्या करना है हमने एक्सेस करना है और इस क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर तो फिर क्या है वही बात है कि आपको हेल्प करता है तो फिर अब क्या होगा कि अब जो है वो ये जो मेथड है क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर आपके लिए एक्सेसिबल होगा तो अब क्या है यहाँ पे देखें फोर्थ बॉक्स में कि यहाँ पे जब भी आपने ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई सिंगल क्लास का और देखें क्लास के नाम से ही हमने उसके मेथड को जो कॉल कर लिया विदाउट ऑब्जेक्ट uh, की इंस्टेंसिएशन के बिकॉज इट वाज अ क्रिएट इंस्टेंस वाज अ स्टैटिक मेथड तो अब यहाँ पे देखें उसने जो है मेमोरी uh, में जो है वो एक इंस्टेंस क्रिएट uh, कर दिए और अब क्या है कि जब भी आप अब एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका कोई एक एड्रेस होगा जो उसने मेमोरी में ऑक्युपाई की है। अब आप जब भी दूसरा इंस्टेंस बनाएंगे अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे आया उसने चेक किया फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये नाला है अच्छा जी पहले नाला है तो क्या कर दो इसको क्रिएट कर दो और रिटर्न कर दो यहाँ आया एक रेफरेंस रिटर्न हो गया अब आपने फिर ऑब्जेक्ट टू किया और आपने इंस्टेंस क्रिएट किया यहाँ आएगा चेक करेगा अच्छा नल है नल नहीं है अच्छा ठीक हो गया नहीं है तो फिर क्या करो जो इंस्टेंस है उसी को रिटर्न कर दो अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखेंगे ना दोनों ऑब्जेक्ट्स को तो आपको एक ही एड्रेस जो है वो एक ही आपको इसका जो है वो रेफरेंस जो है वो मिलेगा अब जो इसके यूजेज हैं बहुत सारे यूजेजेस हैं इसके सबसे पहले एडवांटेज इस पैटर्न का कि ये है कि मेमोरी सेफ होता है और हर रिक्वेस्ट पे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होता हर रिक्वेस्ट पे आपको जो है वो सिंगल इंस्टेंस जो है वो क्या होता है हर कॉल पे आपको जो है वो एक सिंगल इंस्टेंस जो है वो मिल रहा होता है और इसकी जो डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं लॉगिंग क्लासेस कैशियस डाटा बेसिस कॉन्फ़िगरेशंस जो आपकी चाहे वो गेम्स की कॉन्फ़िगरेशंस हो या जो भी एप्लीकेशन डिवाइस ड्राइवर के ऑब्जेक्ट्स ये इस मल्टीपल इसके यूज केसेस हैं जो कि आपको नजर आ सकते हैं अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सिंगलटन क्लास से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वन इज ईगर लोडिंग एंड वन इज ठीक है ये जो अभी तक हमने मैंने आपको दिखाई है एग्जाम्पल दैट वॉज ऑफ ईगर सॉरी लोडिंग

कि आप जो है ना वो आ, किस किन सिचुएशंस में या क्यों आप जो है ना ये करना चाहते हैं आ, अब आपने ये देखना है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुई अगर तो इंस्टेंस रिजाइड करता होगा यानी कि आपने ईगर लोडिंग की है अगर तो किसी और को जरूरत नहीं होगी अब आपने पहले इनिशियलाइज कर दी और अभी जरूरत उसकी है नहीं तो क्या होगा कि वो इंस्टेंस मेमोरी यूटिलाइज कर रहा होगा अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर आपने लेजी लोडिंग की हुई है कि जब किसी को उसकी जरूरत हो तब आप जो है ना उसको उसको यूटिलाइज करें इनिशियलाइज करें तो हमने लेजी लोडिंग में उसको एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही इंस्टेंस को जो है इनिशियलाइज नहीं किया जब भी किसी मॉड्यूल को उसकी जरूरत होगी तो हम चेक करेंगे कि इंस्टेंस क्रिएटेड है या नहीं तो अगर तो वो क्रिएटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको क्रिएट कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे वाला सेम रेफरेंस और अगर क्रिएटेड है तो फिर क्या करेंगे कि हम उसका सिर्फ वही वाले जो क्रिएटेड है उसका रेफरेंस रिटर्न कर देंगे इस तरह क्या होगा हम अपनी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ हद तक जो है वो ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर लेंगे एक बात और याद रखनी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल्टन क्लास है तो फिर ईगर लोडिंग यूज करने में

अगर तो मैं ईगर लोडिंग करती ना तो मैं यहीं पे उसको इज इक्वल टू नल कर देती कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है इनिशियलाइज कर दिया बट यहाँ पे हमने जो यूज किया वो लेजी लोडिंग यूज की है कि पहले वो उसके अंदर कुछ नहीं वो इंस्टेंस जो है उसको इनिशियलाइज नहीं किया हाँ जब उसका हमें जरूरत पड़ी है तो फिर हमने जो है ना उसको जो है ना हमने इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहीं पे हम उसको जो है ना इनिशियलाइज कर देते न्यू करके मगर हमने यहाँ पे जो है वो लेजी लोडिंग यूज की है कि जब उसकी जरूरत पड़े चेक कर लो नहीं है तो उस वक्त जो है ना वो आप उसको क्रिएट कर दें बजाय इसके कि हमने यहाँ पे जो है ना उसको हमने क्रिएट कर दिया यहीं पे हमने न्यू करके उसकी जो है ना इनिशलाइजेशन कर दी है तो ये बात मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गई होगी और अब हम चलते हैं इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल और मजीद यूज केसेस के ऊपर कि अब आप देखें कहाँ कहाँ पे आप अपनी सिंगल डन क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पे भी आपने हार्डवेयर रिसोर्सेज हों या आपके जो भी एक्सटर्नल रिसोर्स हों उनकी आपकी जो है ना रिसोर्स यूज़ेज की लिमिटेशन हो जैसे आप हार्डवेयर प्रिंटर्स हैं अः uh, जहाँ पे आपको पता है कि मल्टीपल uh, उसके कंकरेंट एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो मल्टीपल uh, मशीन जो हैं वो प्रिंटर uh, को uh, जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकती हैं तो वहां पे डेडलॉक होने का जो चांस है तो स्पूलर जो है प्रिंट का स्पूलर या प्रिंटर स्पूलर उसकी क्या जॉब होती है वो एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है जो कि सबको मैनेज कर रही होती है कि जी आपकी जो पेपर प्रिंटिंग की जॉब जो मल्टीपल कंप्यूटर से या मशीन से आ रही है उसको जो है वो हैंडल कर रही होती है राइट प्रिंट सर्वर को या प्रिंटर को और ये जो है वो क्या है कि मल्टीपल प्रिंट जॉब्स जो एक कह लें कि क्यू में लगी होती हैं बफर में लगी होती हैं उनको रिट्रीव कर रहा होता है बारी बारी करके तो वहां पे जो है वो इसकी यूजेज है इसी तरह लॉगर क्लासेस यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सेस पॉइंट देना होता है किसी भी एप्लीकेशन का देन उसके बाद आप देखें इसमें फर्दर जो है वो और भी काफी सारी इसकी एप्लीकेशंस है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गेम्स वगैरह खेलते होंगे तो वहां पे आपको पता है आप प्रेफरेंसेस सेट करते हैं उनकी मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सॉरी आपकी मल्टीपल वो उसकी कलर स्कीम्स और उसका लुक एंड फील तो आप सोचें अगर ने वो प्रेफरेंसेस जो हैं वो अगर आपने सेव करनी हो ठीक है और मल्टीपल जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स उसको तो सेव कर रहे हो तो जब गेम आपने प्ले करनी है तो वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्स आ सकते हैं इनकन्टेंसीज आ सकती हैं कि कौन सी जो है वो स्कीम आपने जो है ना वो आपने फॉलो करनी है तो अब सिंगल्टन जो है वो मैम जैसे आपको बार बार कह रही हूं कि सिंगल्टन आपके लिए एक कह लें कि इसके लिए आ, क्या उसे कहते हैं एक वे आउट है कि आपने जब भी ग्लोबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना हो विदाउट uh, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं सिंगल सिंगल टन किस तरह के अब आप देखें कि जहां पे भी मल्टीपल यूजर्स के दरमियान कहीं पे भी आपका शेयर्ड कोई रिसोर्स वाला मामला होगा ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हॉस्टल्स में जो लोग रह रहे होते हैं वहां पे क्या एक सिंगल मशीन ठीक है या एक सिंगल कोई अप्लायंस है पूरे फैमिली मेंबर्स एक फ्रिज है जैसे उसको जो है ना वो यूज कर रहे हैं तो अगर आप विकीपीडिया पे इसकी वो सर्च करेंगे ना तो उस पर क्या लिखा होगा कि सिंगलटन पैटर्न जो है वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है जो कि एक क्लास की जो है ना मल्टीपल या कह लें कि एक क्लास की इंस्टेंसिएशन को जो है वो क्या कर रहा है रिस, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो इसमें जो अगर मैं आपको उसमें थोड़ा सा ऐड करूँ की वो क्या है कि सिंगलटन पैटर्न इंश्योर करता है कि क्लास का जो है वो क्या है सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हो और वो क्या है कि जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उस एप्लीकेशन के उनको जो है वो उसकी क्या हो एक शेयर्ड एक्सेस हो तो इस तरह अगर आप एक और मैं अगर आपको एक इसका यूज केस बताऊं या सिचुएशन बताऊं जहां पे ये यूज किया जा सकता है कि कि एक समझें कि एक कस्टमर है जिस जो कि मल्टीपल विंडो बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना वो करंटली उसके इस्तेमाल में है एक कोई भी फाइनेंशियल पर्पस के लिए जो है ना वो यूज कर रहा है अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम उसको उसके सोल्यूशन में प्रिंटिंग का फीचर जो है वो जितनी भी उसकी वही डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है वो एक प्रिंटिंग का फीचर भी जो है ना वो आप उसको प्रोवाइड करें अब क्लियरली एक बात ये है कि अगर हम प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करना चाह रहे हैं उन सारी एप्लीकेशन में जिसका क्या मतलब है कि हमें प्रिंटिंग की लाइब्रेरी भी अब प्रिंटिंग की क्लास रूम बनानी पड़ेगी और उसको जो उसकी जो शेयर्ड एक्सेस है वो उन सारी एप्लीकेशन को देनी पड़ेगी तो अब इस किस्म की एप्लीकेशन में इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्लास की ऑब्जेक्ट की इंस्टेंशिएशन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा यानी कि हमें क्या रिस्ट्रिक्ट करना है कि उस क्लास का सिंगल इंस्टेंस बने और जो कि उन मल्टीपल क्लासेस uh, uh, के दरमियान उनको जो है वो शेयर्ड हो सिंगल जो आप सिंगलटन पैटर्न uh, है वहां पे आप क्या कर सकते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं तो अब सिंगलटन पैटर्न अगर आप देखें तो वो बेस्ट टू फॉलो होगा क्यों क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप ये ये चीज ये चीज अंडरस्टैंड करें कि जहाँ पे एप्लीकेशन की मेनी विंडोज हैं मल्टीपल थ्रेड्स हैं मल्टीपल उनके प्रोसेसेस हैं तो वहां पे उनको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए तो सिंगलटन जो है वो आपको एक कह लें कि इस्तेमाल हो सकता है कंट्रोल टास्क के लॉन्च के लिए ठीक है ताकि वो कंट्रोल कर सके टास्क को आप अपनी एप्लीकेशन को जब लॉन्च करें तो उनके टास्क को कंट्रोल कर सके प्लस सिंगलटन जो है वो जॉब सीरियलाइजेशन के लिए भी जो है वो यूज हो सकता है कि जिसमें आप जो है ना वो स्टेटस शो कर सकें प्रोग्राम के बाकी पार्ट्स को कि जब भी उनको एक्सेस की रिसोर्स की एक्सेस चाहिए तो इस तरह के सिचुएशन में आप ये सोच सकते हैं कि सिंगलटन जो है ना वो एक किस्म का सर्वर के तौर पे जो है ना वो फंक्शन कर रहा है कि जब क्लास जो है वो डिफरेंट एक एप्लीकेशन के अंडर जो है वो रन कर लियो है, आगे चलते हैं अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जब भी आपने सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न आपने अंडरस्टैंड करना हो तो एक सिचुएशन आपको बड़ी uh, uh, ज्यादा आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि जो सिंगल्टन पैटर्न है वो मल्टी थ्रेडेड यूज़ हो रहा हो तो आपको जो है वो अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम और ये इस, काफी सारे कोर्सेस पढ़ के हैं तो आपको मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट का पता होगा तो अगर सिंगल्टन पैटर्न मल्टी थ्रेडिंग में यूज हो रहा है तो यू वुड बी मोर कॉशियस आपको बहुत ज्यादा कॉशन लेना होगा कि जो थ्रेड्स हैं अगर फॉर एग्जाम्पल दो थ्रेड हैं तो वो जो दोनों थ्रेड हैं वो इन जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उनको दो इंस्टेंशिएशन ना कर सके ठीक है यानी कि मल्टी थ्रेडिंग में आपने दोनों थ्रेड्स को जो है वो आपने इस बारे में जरा अलर्ट रहना कि वहाँ पे ज़्यादा रहनाट मतलब तो कर चुका है सिंगलटन का ऑब्जेक्ट तो दूसरा को जो है वो ना कर सके जब ये आपकी मल्टीपल सिंक्रोनाइजेशन की सिंक्रोनस किस्म की आपकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका सिंपल सी एग्जाम्पल है कि अगर हमने आ, Uh, जब भी अगर हमने ये सिचुएशन अवॉइड करनी है और ये देखना है कि जो सिंगल क्लास है वो थ्रेड सेफ हो ठीक है थ्रेड सेफ्टी अगर उसके अंदर हमने है, जो है ना वो इम्प्लीमेंट करनी है सॉरी यहाँ पे जो है वो थ्रेड सेफ्टी है यहाँ पे टी हो गया तो हमें जो है वो क्या है कि हमें जो है वो उस हेयर वी है इंस्टेंस एज वॉलेटाइट ठीक है यहाँ पे देखें कि मैंने वो जो हमारा क्लास का वो जो स्टैटिक मेंबर था उसको मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है इसको वॉलेटाइल कर दिया अब वॉलेटाइल आप लोग जावा पढ़ के आए हैं जावा प्रोग्रामिंग आपने की हुई है तो वॉलेटाइल जो है वो एक ऐसा वर्ड सॉरी कीवर्ड है जावा में जो कि ये इंडिकेट करता है कि कोई भी इंस्टेंस या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल या पैरल थ्रेड्स जो हैं वो साइम उसको क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं ये वॉलीटाइल का की वर्ड या आप ये कह सकते हैं कि इट मेक्स द द द चेंजेस चेंजेस और थ्रेड्स आर एक्सेसिंग इंस्टेंस उसकी जो हैं उसको विजिबल करता है कि अगर कोई थ्रेड्स जो हैं वो कोई चेंजेस कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं तो वो उनकी चेंजेस हैं उनकी एक्सेस को वो क्या करता है ये वॉलीटाइल का कीवर्ड जो है वो विजिबल करता है तो अब यहाँ पे देखें कि ये रहा हमारा सॉरी uh, ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर ठीक है अब यहाँ पे एक चीज देखें कि हमने uh, एक चेक है जो क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर प्लेस किया है ताकि वो थ्रेड सेफ्टी हम जो है वो uh, अचीव कर सके हमने क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर चेक लगाया है कंस्ट्रक्टर के इट सेल्फ अंदर क्यों कि, कि कंस्ट्रक्टर एक तो प्राइवेट है तो फिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि चेक तो हमने लगा दिया मगर कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट है तो फिर इसको एक्सेस कौन करेगा तो इसका आंसर क्या है कि देर इज अ वे यहां पे एक और तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन के जरिए जो है वो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को जो है वो क्या किया जा सकता है एक्सेस किया जा सकता है तो अगर तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर तो इंस्टेंस नल है तो आप क्या करें एक रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो आपने क्या कर देनी है थ्रू कर देनी है अब यहां पे अगर आप देखें ये इधर अब यहाँ पे देखें अगर आप ये थोड़ा सा इस पे गौर करें आ, इस कोड के ऊपर ये जो आ, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है अब ये जो है वो डिफरेंट थ्रेड्स की डिफरेंट थ्रेटिंग से जो है वो थ्रेड सेफ्टी भी कह सकते हैं इसको थ्रेड सेफ्टी भी कह सकते हैं कि डिफरेंट थ्रेड से जो है वो यानी कि जो एक्सेस होनी है उससे आपको जो है वो सेव कर रहा है किस तरह कि अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऊपर जो हमारा पर्पज था कि ये कि हम यहाँ पे उसको थ्रेड सेव करना चाह रहे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे हमने इस इस वाले मेथड के अंदर हमने लगाया है ये सिंक्रोनाइज़ का कीवर्ड राइट हम ऊपर क्या चाह रहे थे हम ये चाह रहे थे ना कि हम ये कैसे इंश्योर करें ये ये वाला ये वाला ये ये जो कोड लिखा हुआ कि हम कैसे इंश्योर करें कि डिफरेंट जो आ, थ्रेड्स हैं उनकी एक्सेस जो है वो सेफ हो और हमने उसके लिए वॉलेटाइल का जो है वो कीवर्ड यूज किया था मगर हम इसको इंश्योर कैसे करेंगे तो इसको इंश्योर करने के लिए हमने जो है वो सिंक्रोनाइज का वर्ड जो है वो यूज किया है अब यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज का की है वो किस लिए यूज होता है जावा में ये जो सिंक्रोनाइज का वर्ड है ना ये बेसिकली क्लास लेवल पे और को ब्लॉक लेवल पे ठीक है ये जो सिंक्रोनाइज का वर्ड है ना ये क्लास लेवल पे भी यूज हो सकता है और ब्लॉक लेवल पे भी यूज हो सकता है तो हमने जो है ना यहाँ पे इसको ब्लॉक लेवल पे यूज किया है हम ये चेक करना चाह रहे हैं हम नलेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं एक इंस्टेंस की और हमने इसको दो दफा चेक किया है ये देख रहे हैं हमने नलेबिलिटी इसकी दो दफा चेक की है अब ये जो कोड ब्लॉक है ना ये इंश्योर करेगा कि दो थ्रेड्स जो हैं वो इंस्टेंस को एक ही टाइम में इनिशियलाइज ना कर दें यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे वो ब्लॉक होंगे और एक दूसरे का वेट करेंगे कि जब कोई एक अन ब्लॉक हो जाए और वो समझे कि दोनों थ्रेड जो है ना वो अपने अपनी टर्न की वेट करेंगे जो भी इन्होंने कोड एग्जीक्यूट करना है ना वो जो पैरल थ्रेड्स है वो अपनी टर्न का वेट करेंगे यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक कर देगा ये कोड ब्लॉक हमने जो यूज किया यहाँ पे वो जो दोनों है वो ब्लॉक हो जाएंगे और हर जो आपका जो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो दोनों जो है ना टर्न का वेट करेंगे तो इस तरह से तो वो उसको जो है ना हमने सेव कर लिया अब ये जो मैं जिस हम कह रहे हैं कि सिंगल्टन क्लास के हर हर पैटर्न के जो है वो कुछ प्रॉज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं तो प्रॉज में अगर आप देखें कि ये बड़ा ए, एक नाइस nice वे है कि जब आपने ग्लोबल रिसोर्सेज को जो है ना आपने शेयर देनी है मतलब आपने शेयर एक्सेस देनी है उनको और एक तो ये कि बहुत इजी है इंप्लीमेंट करना दूसरा ये कि देखे हमने मल्टीपल तरह से हमने देख लिया कि पे मल्टी थ्रेडिंग हो रही हो कि वहां पे भी हमने इसको इंश्योर कर लिया कि थ्रेड हमने उसका जो है वो कंट्रोल कर लिया दो इंस्टेंस को क्रिएट होने का जो है ना वो कोई थ्रेट ना रहे और उस, जो थ्रेड्स हैं वो उसको ना कर देगी तो हमने जो है उसको इंश्योर किया है कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो और दूसरा ये कि ये बड़े वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को जैसे मैंने बताया कि बड़ी पर्टिकुलर सिचुएशंस है जिसके अंदर ये यूज होता है अब कॉन्स जैसे हर पैटर्न है उसके कुछ ना कुछ कॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इसके भी हैं तो ये सम टाइम जो है ना वो उधर भी यूज कर रहे होते हैं लोग जहां पे इसकी जरूरत ही नहीं है ठीक है इसको बेचारे को ना अब नहीं करना यूज करना और स्पेशली अपने केयरफुल रहना कि के इसको ना आपने फैक्ट्री से जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करना सिंगल्टन कभी भी कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता अगर तो ये जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो फिर सिंगल्टन नहीं है इट इज नो मोर अ मोरटन इट वुड बिकम अ फैक्ट्री तो इसको आपने जो है 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 वो क्या करना है? करना अवॉइड तो अगर कोई भी सिंगल्टन क्लास कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि यह वायलेशन है ये सिंगलटन की वायलेशन है ये सिंगल्टन का एंटी पैटर्न है असल में ये क्या बना दिया आपने फैक्ट्री पैटर्न बना दिए और अगर हम थ्रेड सेफ्टी मैकेनिज्म अप्लाई करना भूल जाते हैं जैसे मैंने आपको पीछे इंक्रोनाइज और वॉलेटाइल की यूज करते हुए मैंने आपको बताया कि हाउ वुड यू इंश्योर तो फिर क्या होगा अगर आपने थ्रेड सेफ्टी मैकेनिज्म जो है इंश्योर नहीं किया